प्रोग्राम आईआईटी खड़गपुर में इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन होने वाला है, उसके साथ दो छात्राओं के साथ परिचय करवा रहे हैं, वो अपना परिचय देंगे, वो लोग कैसे जुड़े इसमें, अपना नाम बताएं। मेरा नाम साहित्या राजगोपाल है, साहित्या राजगोपाल, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ, अभी अपना सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर की में मैं अपने स्कूल डेज के बाद जुड़ी स्कूल टैगोर इंटरनेशनल वसंत विहार में ही है, और हमारे स्कूल में हर साल दो तीन साइड मीटिंग कार्यक्रम होते रहते हैं, और उसी के थ्रू मैं अपने क्लास के बाद मैं चाहती थी कि मैं और वक्त और थोड़ा और जाना इस मूवमेंट के बारे में और इसलिए हमारा एक सैटरडे मीटिंग इसी में जुड़ी और तो आप जा रहे हैं खड़गपुर जी, आपसे मिलेंगे, आपका परिचय आप देंगे। नमस्कार, मेरा नाम मति खातून है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, बीकॉम सेकंड ईयर, और मैंने फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज के थ्रू स्पिकमेकी को ज्वाइन किया था, और इसके ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ जो कॉज है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस कॉज के लिए डॉक्टर सेठ इज एक पेड़ है जिसके साथ हम जुड़ते जा रहे हैं, हम पत्तियाँ बन रहे हैं, बल्कि वो हमसे अलग नहीं है, तो बल्कि स्पेक में के हमारे लिए अब कुछ दूसरी चीज़ नहीं है या फिर कोई मूवमेंट नहीं, हम लग रहा है कि हम अपनी ही लाइफ एक नए अंदाज से जीना शुरू किए हैं। आप लोग के कॉलेज में कितने लोग जुड़े हुए हैं इस मुहिम से? मेरे कॉलेज में मैं खुद अपने कॉलेज को हेड करती हूँ, रिप्रेजेंट करती हूँ, और मेरे कॉलेज में अराउंड 500 स्टूडेंट जो रेगुलर प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, और 200 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे अंडर मेरे को हेल्प करते हैं इन द वर्क ऑफ स्पेक में। और आपके कॉलेज में और आपके स्कूल में कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारे स्कूल में स्कूल लेवल में स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स को सभी प्रोग्राम्स के लिए कंपलसरी था जी, बिल्कुल, तो मतलब इतनी टेंडर एज में सभी को हम ये ऑपरेटिव देते हैं, और हमारे कॉलेज में हमारे स्पिकमेक के चैप्टर में हम करीब 30 लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली जुड़े हैं और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन अदरवाइज प्रोग्राम्स देखने के लिए करीब 200-300 स्टूडेंट्स भी आए हैं। अभी आप लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो एक लाइफ का मेन वो बन गया था डिवाइस। डॉक्टर किरण सिंह ने बताया कि जो आप कैंप में जाएंगे आपसे मोबाइल जमा करने के लिए कहा जा रहा है, क्या आप लोग को डर लग रहा है कि वहाँ पे हमारी फ्रीडम चली जाएगी? हम लोग को लगता है कि आप लोग वो किरणें हैं जो डॉक्टर किरण सेठ ने चयन करा है, और आगे आप उनकी टॉर्च को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद।